हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुदीपा और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि मदरहुड के जो एक प्रॉब्लमेटिक सोच है ना, उसके बारे में। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है, वो है मीमी। मीमी जो कि एक सैरेगेसी मदर के ऊपर है। ना ही मैं इस मूवी की रिव्यू यहाँ पे करने वाली हूँ और ना ही सैरेगेसी के बारे में मैं कुछ बात करने वाली हूँ, पर इस मूवी में जो मदरहुड, जो माँ का जो वर्ड है ना, उस माँ के साथ बच्चे का जो रिश्ता और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है मदरहुड का, उसमें जो एक प्रॉब्लम दिखाया गया है, जिस चीज़ को उन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उससे मुझे बहुत ही दिक्कत है। और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मैं डिनाई करती हूँ उस सब जो कुछ भी वहाँ पे दिखाया गया कि अगर आप एक लड़की हो और अगर आप माँ नहीं बन पाती हो तो ज़िंदगी का मतलब ही कुछ नहीं है। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। माँ बनना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मतलब अगर आप माँ नहीं बन सकते हो तो ज़िंदगी में आप खुश नहीं हो। ऐसे बहुत से औरतें हैं जो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, उनके हेल्थ कंडीशन उनको सपोर्ट नहीं करता है कि दुनिया में वो एक बच्चे को ला सके। तो क्या वो माँ, वो औरत जो है, वो जब कभी माँ नहीं बन सकती, फिर क्या वो हमेशा दुखी रहे, रोती रहे? उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई अहमियत ही नहीं है। आप जैसे बहन होते हो किसी की बेटी होते हो, वैसे भी माँ भी एक रिश्ता है, एक ज़िंदगी का पार्ट है। वो कोई मकसद नहीं है। खुश होना वो पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ में खुश होते हो। अगर कोई लड़की पढ़ाई करके स्पेस पे चली जाती है, उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उस खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो आप खुशी को किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि सिर्फ माँ बनने से ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, पर स्पेस पे जाने से नहीं। सेकेंड जो चीज़ आती है वो है, अगर आप एक माँ हो तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मतलब माँ के साथ सैक्रिफाइस, ये वर्ड जुड़ जाता है। पर मुझे एक बात बताइए, सैक्रिफाइस चीज़ होती क्या है? कहाँ से आती है ये सैक्रिफाइस? इसका एक्चुअल मतलब क्या है? जो चीज़ आप चाहते हो पर आपको खुशी खुशी वो चीज़ नहीं मिलती है, किसी और चीज़ के लिए उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, उस सपने को या फिर कुछ काम को, कुछ भी हो, तो उसी को सैक्रिफाइस कहते हैं ना। तो सैक्रिफाइस का मतलब सैडनेस, सेटिस्फाई ना होना। तो आप यही बोलना चाहते हो कि जब एक बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है, आप जब माँ बन जाते हो, तब आपको सेक्रीफाइस करना है। मतलब आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस बच्चे के साथ, सो आपको लाइफ में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, यही आप बोलना चाहते हो। बट द ट्रूथ इज़, जब एक बच्चा एक माँ की ज़िंदगी में आता है, वो क्यों अपनी नींद, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि वो अपना काम, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ देती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए? इसके साथ सेक्रीफाइस का कोई लेन देन नहीं होता है, इसके साथ प्यार का कनेक्शन होता है। सेक्रीफाइस तो वो होता है जब आप समाज के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो, तब वो सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है, मुझे मेरा सपना, मेरी पढ़ाई, मेरी करियर, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बच्चे को देखना है। क्योंकि वो बच्चा जो है वो प्रीशियस है उसके लिए, वो उससे बहुत प्यार करती है। पर आप लोग उसको नाम देते हो सेक्रीफाइस का, क्योंकि आपको तो सपोर्ट करना नहीं है। तो आप उस माँ को समझा देते हो कि देखो, बच्चा जब आता है तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ही, तुमको मैंडेटरी है। तीसरी एक और चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है गलत तरीके से, जो कि अबॉर्शन के बारे में है। यहाँ पे मैं मूवी में थोड़ा बहुत बात करने वाली हूँ, जहाँ पे मिमी की जो सैरोगेसी के जो पेरेंट्स थे, तो वो पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बच्चे को नहीं लेंगे, तो अचानक से बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो अब ये सैरोगेट मदर जो है मिमी, वो क्या करती है, वो अबॉर्शन को एक्सेप्ट नहीं करती है, उस बच्चे को जन्म देती है। तो ये एक मूवी की स्टोरी लाइन है, पर यहाँ पे मुझे मूवी से कोई मतलब नहीं है, मूवी में जो दिखाना है वो दिखाते हैं, पर एबॉर्शन को यहाँ पे महापाप या फिर गलत इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देखिए, एबॉर्शन जो है वो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो कोई खुद प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक माँ मेंटल स्टेट पे नहीं है, वो नहीं चाहती है उस बच्चे को, उसकी एज जैसी भी हो, कम उम्र की हो या शादीशुदा हो, 40 की हो, 30 की हो या 20 की हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एक माँ, एक औरत को अल्टीमेटली एक बच्चे को जन्म देना है, तो अगर वो औरत खुद नहीं चाहती है, खुद एग्री नहीं है, उस सिचुएशन पे नहीं है, वो कन्वीनियंट वे पे नहीं है कि वो उस बच्चे को इस दुनिया में ला सके, तो एबॉर्शन करने में कोई गलत चीज़ नहीं होता है, वो महापाप नहीं होता है। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ है जहाँ पे एबॉर्शन अलाउ ही नहीं है,
सिर्फ हमारे कंट्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी के कंट्री भी है। आज के ज़माने के बहुत मॉडर्न कंट्रीज़ है जो अबॉर्शन को रिलीजियस के साथ, रिलीजियस लॉजिक के साथ वो इंक्लूड करके उसको कुछ अजीबो गरीब तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से औरतें हैं जिनके दो तीन बच्चे होने के बाद भी उनको फोर्स करा जाता है फिर से बच्चा लो, अबॉर्शन मत करवाओ, क्योंकि ये महापाप है। तो सोचिए उस माँ पे क्या बीतती होगी। एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत होती है वो सिर्फ हम औरतें ही जानते हैं। वो ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आता है, पर भगवान ने हमको ऐसे बनाया कि हम उस दर्द को, उस चीज़ को, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, जो भी हो, हम उस चीज़ को झेल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को हमेशा इंजॉय करते हैं, पर क्योंकि वो बच्चा हमारा है, हमको पता होता है, तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये हमें एक शक्ति भगवान ने दी हुई है, पर इस शक्ति को समाज के कुछ लोग ना अपने हिसाब से यूटिलाइज करके बोलते हैं कि आप माँ हो तो इस बच्चे को जन्म आपको देना ही पड़ेगा, एबॉर्शन महापाप है, एबॉर्शन पे मत जाइए। पर ऐसा कभी भी मत कीजिए, मन में कोई बोझ मत रखिए। अगर बच्चे को आप नहीं लेना चाहते हो, किसी भी हाल में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे को नहीं पाल सकते हो, तो एबॉर्शन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके अगर उस स्टेट पे आप रहते हो कि जहाँ पे अबॉर्शन करवा सकते हो, टर्मिनेट करवा सकते हो, गो फॉर इट, देर इज़ नो सच थिंग। एक और चीज़ जो है कि माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ होता है, ये हमको समझाया जाता है, पर ऐसा सच नहीं है। एक बच्चे की ज़िंदगी में हर एक मेंबर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, समाज का हो, एक फैमिली का हो, एक पिता का इमोशन जो प्यार होता है ना, वो भी रियल होता है। सिर्फ माँ ही एक बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती है, सिर्फ माँ ही उसका अच्छे से ध्यान रख सकती है, सिर्फ माँ ही समझ सकती है एक बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। ये गलत सोच है। हाँ, ये सच है कि एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समझती है दूसरों से, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर एक माँ उसकी ज़िंदगी में ना रहे, तो अगर पिता में उस क्षमता है, वो प्यार है, तो उस प्यार के ज़रिए भी वो अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश दे सकता है। या फिर अगर कोई भी पेरेंट ज़िंदा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं, फिर भी वो बच्चा अच्छे से बड़ा हो सकता है एक प्यार के छाँव में, किसी भी रिलेटिव के अंदर, उसका भाई हो, बहन हो। देखिए, प्यार इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे से जो लगाव है वो किसको सबसे ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट है। जो प्यार करते हैं वो अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उसकी अच्छी सीख देख सकते हैं, उसको अच्छा केयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स माँ ज़्यादा करती है क्योंकि माँ खुद उसको जन्म देती है, पर माँ ही सिर्फ कर सकती है, ये गलत सोच है। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि माँ को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो माँ है। इस चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं सब मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक औरत माँ होने से पहले एक इंसान भी है, उसको इंसान के नज़रिए से रिस्पेक्ट दो, ना कि माँ के नज़रिए से, क्योंकि माँ भी गलत होती है, माँ भी सब कुछ सही नहीं बोल सकती है। बाहुबली में याद है ना, वहाँ पे प्रभास ने बोला था, माँ तुम गलत हो, एंड शी इज़ लाइक, ओ माई गॉड, मैं माँ हूँ और मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। तो माँ होने से आप सही नहीं हो जाते हो, और अगर आप माँ हो तो आपको ही रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ये मत सिखाइए एक बच्चे को। इससे क्या होता है, उस बच्चे पे भी गलत असर पड़ता है, बाद में जाके वो अगर कुछ गलत होता है तो वो बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि जज किसे करे, माँ को कैसे जज कर सकते हैं, माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बाद जाके। और माँ भी एक एरोगेंट सिचुएशन पे आ जाती है क्योंकि मैं माँ हूँ तो मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकती हूँ। ये जो चीज़ है ना, जब आप माँ को देवी माँ बना देते हो तभी ये क्रिएट होता है, उसको देवी माँ मत बनाओ। जय माता जगराता नहीं चल रहा है, जय माता दी नहीं करनी है, जिसके साथ करनी है जय माता दी, मंदिर में जाके उसके साथ ही करिए। पर घर के माँ को एक इंसान समझिए, इंसान के हिसाब से उसे रेस्पेक्ट दीजिए, एक दोस्त बनाइए, माँ को एक अच्छा दोस्त बनाइए, उसके साथ एक्सप्रेस कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए, माँ को भी शेयर करने दीजिए। इससे क्या होगा, एक माँ अल्टीमेटली तो एक औरत है ना, तो उसको भी इजी होगा अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो बच्चा एक दिन बड़ा भी होने वाला है, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में उसे इजी होगा कि ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अभी उसकी लाइफ है, अभी वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा। वो भी माँ भी अपनी एक लाइफ बना सकती है। पर जब आप माँ को सिर्फ माँ बना के रखते हो, उसको इंसान नहीं समझते हो, उसको एक औरत नहीं समझते हो, तो बच्चा तो एक दिन बड़ा होने वाला है, बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी जीने वाला है, फिर उस माँ का क्या होगा, कोई सोचा है उस माँ का क्या होता है, कोई नहीं सोचा है। तुम तो माँ हो, तुम माँ बन के रहो,
अब वो देवी माँ बन के मूरत बन के तो नहीं रह सकती है, उसको उसके दुख, उसकी जो अकेलापन, वो उसको खुद को झेलना पड़ता है। और उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बच्चे को बड़े करने में लगा दिया है और अब ये बड़ा होके मेरा केयर नहीं करता है, तो बहुत बुरा लगता है। वो माँ भी बहुत रूड बन जाती है, बहुत गलत चीज़ें सोचने लगती है, डोमिनेटिंग हो जाती है, वो एरोगेंट हो जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें ना, पहले से अगर हम समझ जाए कि एक औरत को इस तरीके से हम ट्रीट ना करें कि माँ हो ऐसा करो, माँ बनने से ऐसा होता है, माँ बनना चाहिए तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग चाहते थे कि मर्द बाहर जाके काम करे और माएँ जो है घर में बैठ के सिर्फ बच्चे को संभाले, तो इसी के वजह से वो ये सब पट्टी पर आते थे। पर अभी का समाज जो है बहुत बदल रहा है, लड़कियाँ बाहर जाके काम कर रही है, उनकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस आ चुका है, चॉइसेस आ चुका है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उनको वो वैल्यू नहीं दिया जाता है। बहुत ही कड़वी सच्चाई आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि माँ बनने के वक्त ना बहुत डिफ़िकल्टीज एक औरत को फेस करनी पड़ती है, और एक टाइम आता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, लास्ट स्टेज पे जाते हो, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लगता है कि कब ये बच्चा मेरा आएगा, कब मैं फील करूँ, रिलीफ फील करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बदल जाती है, आप कर नहीं पाते हो, वॉक नहीं कर पाते हो, आप यहाँ वहाँ जा नहीं पाते हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते हो हर चीज़ के लिए। और जब बच्चा आ भी जाता है उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ता है, और सारा दिन अगर एक बच्चा रोता रहे और साथ में कोई हेल्पिंग हैंड ना रहे, कोई नैनी हेल्प करने के लिए अगर नहीं रहे, तो बहुत ही वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये मत कहो कि आप एक माँ हो तो आप ये सब कर रहे हो, इसको एन्जॉय करो, एक्चुअली ये प्रोसेस जो है इन्जॉय नहीं है। पर हम माँ ये सब क्यों कर लेती है नेचुरली, क्योंकि हम उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारा होता है, ये जो चीज़ ये अंदर से आता है, बाहर के लोगों के कहने से नहीं आता है। सो मैं इस वीडियो के ज़रिए उन सभी माओं को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि इन सब सोच से निकल आइए, आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, ये पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से अपने बच्चे को संभालना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, आ गया अभी उसको कैसे केयर करना है, किस तरीके से करना है, किसके साथ मिलके करना है, ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो, बाकी के लोग नहीं। आप अगर एक घर में अच्छे नैनी रख के बाहर पे जाके काम करते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बी हैप्पी फॉर दैट कि आपका एक सपोर्टर है, आपका एक हेल्पर है। ज़िंदगी आपकी है और ये ज़िंदगी की आइडेंटिटी एक माँ से नहीं होती है, ना ही बहन से और ना ही कोई बेटी से, ये ज़िंदगी की आइडेंटिटी आप अगर एक औरत हो तो आपका आपकी पहचान से होती है, आप कौन हो, आपका नाम ही काफ़ी है। इसके लिए आपको किसी भी टैग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप का स्टेपल की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, खुशी से जियो, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपना केयर करो, खुश रहो, बस इतना ही मुझे कहना था। मैं फिर आऊँगी किसी और वीडियो के साथ, चलिए अभी के लिए बाय बाय। Thank you.